सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन देखना चाहिए वर्टेक्स ए वर्कबेंच नोटबुक क्विक स्टार्ट का। फटाफट जो है पासवर्ड को कॉपी करके कंसोल को इनकॉग्निटो में ओपन कर लेना, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको जो है वर्कबेंच टाइप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्टेक्स ए दिख रहा होगा, इसके वर्कबेंच पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा वर्कबेंच ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें यूजर मैनेज नोटबुक का काम है, वहीं पे हम सारा काम जो है अपना करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है यूजर मैनेज नोटबुक पे मैंने टैप कर दिया, तो जिस तरीके से ये लोड होगा इसको जो है लोड हो जाने देना। देन आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद जो ये डेबिन 11 ही होने वाला है, ठीक है, इसको 11 ले लेना। एंड ये डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट, ये टेंसर फ्लो एंटरप्राइज 2.11 यही वाला होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन अगेन हमें आना है बैक, सीधे करना है टास्क वन पे क्लिक। यहाँ से मुझे रीजन दे के रखा गया है US West 1 and US West 1 C, आपको आपका वाला देख लेना है। एंड देन अपने टेंसर फ्लो की चीज़ को उस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। तो मुझे दिया गया US West 1 and इधर West 1 C। सो ये मैंने अपना काम डन कर लिया। देन आपको नॉर्मली नीचे स्क्रॉल कर देना है, एडवांस ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद जो कुछ इस तरीके से ये जो है लोड हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है एंड एनवायरमेंट के नीचे आपको ये दिख रहा है मशीन टाइप, इसके इस एरो पे क्लिक करना। देन अगेन नीचे स्क्रॉल करना है, ये E2 सेलेक्ट करना एंड यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है E2 Standard 2, राइट। ये जैसे ही सिलेक्ट करोगे देन आपको नॉर्मली इधर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये क्रिएट हो जाएगी आपकी वर्क बेंच, इसको जो है कम्प्लीटली डन हो जाने देना। टास्क वन आपका यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। टास्क टू में हमें दिया गया ये कोड एंड इस कोड को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड आ जाता हूँ अपने इस टैब पे। अब यहाँ पे जब तक टिक नहीं लग जाता तब तक इसको बन जाने देना। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से टिक आ जाएगा। देन आपको ओपन जुपिटर लैब पे क्लिक कर देना। ये करने के बाद जो है अगेन आपको बैक नहीं आना है, हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है उस कमांड को जो हमें रन करना है, राइट। तो ये हमारा जुपिटर लैब ओपन हो चुका है, इसको जो है कम्प्लीटली मतलब ऊपर इसका इंटरफेस ओपन हो जाने दो एंड देन हम आगे प्रोसीड करने वाले, राइट। तो ये ओपन हो चुका है। देन यहाँ पे टर्मिनल पे मैंने टैप कर दिया है। यहाँ पे जो है हमें इसको पेस्ट करना है, तो माउस के राइट पे टैप करना एंड यहाँ पे पेस्ट पे टैप करना, इधर अलाउ पे क्लिक कर देना एंड देन इधर फ्रंट में आगे इसके टैप कर देना, ठीक है, एरो की से देन एंटर दबा देना। इसको जो है एग्जीक्यूट हो जाने दो। देन हमें जो है थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक आना है, सीधे GSP076 पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको आपकी प्रोजेक्ट आईडी बहुत देख के कॉपी कर लेनी है, ठीक है। देन अगेन बैक आना है, ये जो एग्जीक्यूट हो जाएगा फटाफट, ज़रा टाइम नहीं लेगा। सो ये जो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब मैं इधर ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जो है हमें सेल्फ पेज लैब पे डबल टैप करना है। देन AI प्लेटफॉर्म को स्टार्ट पे टैप करना है, देन इस पे डबल टैप करना है, राइट। अब हमें करना क्या है सिंपल सा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो नीचे स्क्रॉल करते जाओ एंड यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से आपको नीचे आते जाना है और यहाँ पे आपको आपकी प्रोजेक्ट आईडी को पेस्ट कर देना है इन दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। अगेन अब हमें क्या करना है, नीचे आते जाना है कॉन्टीन्यूसली आते जाओ एंड यहाँ ये ऊपर वाले टैब से लेकर इतने टैब को टैप कर देना, मतलब कॉपी कर लो एंड ये मैंने कॉपी कर लिया। अब इन सबको रन कर दो, राइट। तो इसके ऊपर वाले पार्ट सारे रन होना स्टार्ट हो जाएंगे क्या, नहीं हुए। ठीक है, सो हम यहाँ तक जो है आ चुके हैं, आपको यहाँ तक आ जाना है, ठीक है, यहाँ तक। देन हमें अगेन ये मेरे से डबल टैप हो गया तो ऐसा हो गया, अगेन ऊपर आना है, ठीक है। एंड मैं जहाँ तक रन कर रहा हूँ वहाँ तक इसको रन करते जाओ। ये मैंने रन पे टैप करा करते जाओ, ठीक है। एंड ये मैंने रन पे टैप करा अभी भी करते जाना है, ठीक है, करते जाओ अभी भी करते जाना है, ठीक है, धीरे धीरे करना है ताकि जल्दीबाजी में आप आगे ना निकल जाओ, राइट। ये मैंने रन करा एंड यहाँ पे आपको रुक जाना है, सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल पे आपको रुक जाना है। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। पता कैसे चलेगा एग्जीक्यूट हो गया, तो देखो यहाँ पे नंबर लिखा गया है और नंबर लिखाने के साथ साथ यहाँ पे आउटपुट भी आ गया। तो आपको सिंपली यहाँ से बहुत देख के अपनी ये जॉब आईडी को कॉपी कर लेना है, देन इस जगह पे इसको पेस्ट कर देना है एंड देन इसको भी एक बार टैप करके रन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 24 लिखा गया है, बट अब आपको आगे नहीं बढ़ना है, अब आपको इस चीज को कॉपी करना है एंड अपनी फर्स्ट विंडो पे आना है, सर्च बार में इसको पेस्ट करके एंटर दबा देना है, ठीक है। सो ये जो है हमारे को कुछ AI प्लेटफॉर्म टाइप का एक जगह है वहां पे ले जाएगा। तो इसी के लिए हमें करना क्या है, ये AI प्लेटफॉर्म पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है हमारी चीज बन रही होगी जिसकी थ्रू हम पता कर सकते हैं कि वो बनी है या नहीं बनी, राइट। सो यहाँ पे गो टू AI प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर देना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको जॉब्स दिख रही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जॉब्स पे क्लिक कर देना है, ये मैंने जॉब्स पे टैप कर दिया है एंड यहाँ पे जो है आपका जो है जॉब बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको वेट करना है, मिनिमम
मिनिमम ये 10 से 15 मिनट के आसपास का टाइम लेगा, तो उसको ओपन छोड़ देना, मेक श्योर करना कि स्लिप पे ना चले जाए। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना। जैसे सो यार देखो यहाँ पे जो है 8 मिनट में टिक लग चुका है, अब अगेन इधर आ जाना है एंड देन अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सॉरी इधर नहीं, एंड नीचे स्क्रॉल करते जाना है एंड यहाँ से आप पूरे रन करना स्टार्ट कर दो। फटाफट जितने दिख रहे हैं सब रन कर दो, आपको बस अब रन करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ तक एग्जीक्यूट हो है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट हो जाने देना, तब तक आप नॉर्मली बैक आ जाओ अपनी लैब पे, नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो एंड या टास्क कंप्लीट, टास्क टू कंप्लीट, टास्क थ्री कंप्लीट। ठीक है, चेक माई प्रोग्रेस, चेक माई प्रोग्रेस। ठीक है, ये भी कंप्लीट, चेक माई प्रोग्रेस, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एंड चेक माई प्रोग्रेस, हमने AI मॉडल भी हमारा क्रिएट कर लिया है एंड चेक माई प्रोग्रेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अपने डन कर ली है। बस ये क्यों नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि ये यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अभी रनिंग स्टेट में है। जैसे ये रन होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये देखो रन हो रहा है। अभी 3 शेल बाकी है, 2 हो चुके हैं ऑलरेडी एग्जीक्यूट, तो इसको एक बार हो जाने दो। सो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो है सारा आउटपुट आ चुका है। अब बैक आ जाओ नॉर्मली और चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करो, वाला जो टास्क है भी कंप्लीट हो जाएगा। हेली कमांड ने भी एग्जीक्यूट होने में कम से कम 4 मिनट लिए। लैब छोटी बहुत थी लेकिन टाइम बहुत लेती है। सो यार सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।